नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में पिछले कुछ माह से घरेलू बिजली को लेकर कुछ उपभोक्ता परेशान दिखाई दे रहे थे। जबलपुर जिला कांग्रेस पार्टी द्वारा बिजली की समस्याओं को लेकर काफी प्रदर्शन भी किए जा रहे थे। विद्युत विभाग की गिरती साख को देखते हुए पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य अभियंता जबलपुर क्षेत्र के एल वर्मा ने जबलपुर शहर के सभी संभागों के कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारियों की बैठक कर सभी को सख्त निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि बारिश के चलते बिजली में लगातार फॉल्ट आ रहे हैं। समय रहते अगर अधिकारियों कर्मचारियों ने लापरवाही में सुधार नहीं किया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लापरवाही बरतने वाले अधिकारी को उस स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा। मुख्य अभियंता के एल वर्मा ने बताया कि जबलपुर सिटी सर्कल में 5 डिवीजन है। बारिश के चलते बिजली में फॉल्ट आ रहा है जिसे दुरुस्त किया जा रहा है। जबलपुर में बिजली का उपयोग करने वालों में 70% लोग ही बिल का भुगतान करते हैं जबकि 30% बिल जमा नहीं कर रहे हैं। शहर में 30% लॉसेस है जो कि 10% होना चाहिए। स्मार्ट मीटर के बारे में वर्मा का कहना है कि स्मार्ट मीटर के प्रति लोगों की गलत धारणा है कि स्मार्ट मीटर सही नहीं है। स्मार्ट मीटर में अभी तक किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई है। लोगों को स्मार्ट मीटर लगाना चाहिए। स्मार्ट मीटर में बिजली उपभोक्ता अपने मोबाइल पर ही बिजली का बिल देख सकता है। जबलपुर में अभी तक 80,000 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। आज हमारा जो सिटी सर्किल है यहाँ पर 5 डिवीजन काम करते हैं, तो आज सारे अधिकारियों की एक छोटी सी मीटिंग आयोजित है जो लगभग 10 बजे से चल रही है और सभी डिवीजन की मीटिंग अलग अलग है। आज का जो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है वो है हम अपने उपभोक्ताओं को कैसे 24 घंटे बिना ट्रिपिंग के, बिना किसी व्यवधान के सप्लाई उपलब्ध कराएं, विद्युत उपलब्ध कराएं। दूसरा, जो कंप्लेंट्स उपभोक्ताओं की हैं कैसे उनको कम से कम समय में, जो फॉल्ट आते हैं उनको कैसे कम से कम समय में ठीक करें। अभी चूँकि बारिश का मौसम है तो निश्चित ही कुछ सप्लाई की प्रॉब्लम आई है, कुछ ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आई है, तो आज इसी उद्देश्य से सारे अधिकारी बुलाया गया है। उनसे यही चर्चा हो रही है कि कैसे हम अपने सप्लाई को दुरुस्त करें, कैसे हम अपने फॉल्ट को कम से कम समय में दुरुस्त करें और उनकी यदि कोई समस्या है तो उसका भी निराकरण करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही हम अपने राजस्व का आंकड़ा भी देख रहे हैं कि चूँकि ये जबलपुर शहर इलाका है पूरा का पूरा, उसके बाद भी यहाँ 70% के आसपास जो उपभोक्ता अपना बिल जमा करते हैं, 30% अभी भी जमा नहीं करते हैं। और जहाँ तक लॉसेस की बात करें तो यहाँ अभी भी 30% लॉस है जो कि 10% के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ काफ़ी काम करने का ज़रूरत है, तो इसी संबंध में आज हमारे अधिकारियों से चर्चा हो रही है। हाँ, रेवेन्यू का अभी मैंने बताया आपको कि कुछ फीडर में पिछले साल की तुलना में भी राजस्व में कमी आई है जो कि नहीं आना चाहिए। जबकि उपभोक्ता भी बढ़ते हैं, सोल्ड यूनिट भी बढ़ते हैं, नई नई दुकानें खुलती हैं, नए नए घर बनते हैं, उसके हिसाब से हमारे राजस्व में वृद्धि होनी चाहिए थी। आज मैं अपने अधिकारियों से ही बात कर रहा हूँ। कुछ अधिकारी निश्चित रूप से अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ को अपने काम में सुधार की आवश्यकता है और मैं देखूँगा महीने के आखिरी में, प्रथम सप्ताह में अगले माह के, कि यदि अधिकारियों में इस महीने और अप्रैल से अभी तक के काम में यदि सुधार नहीं हुआ है तो उन अधिकारियों के विरुद्ध मुझे कार्रवाई करना होगी, उन्हें यहाँ से दूसरी जगह भेजना पड़ेगा और जो दूसरे जगह अच्छे अधिकारी हैं उनको यहाँ लाना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर को भी लेकर लोगों के अंदर भ्रांत करना है, किस तरह से स्मार्ट मीटर को समझने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ जहाँ तक मैंने समझा है और हमारी कंपनी ने भी समझा है और कई उपभोक्ताओं ने भी समझा है कि स्मार्ट मीटर एक अच्छा मीटर है। जो आपकी रीडिंग संबंधी समस्या थी कि मीटर रीडर आता है, बिल देता है नहीं देता है या रीडिंग करता नहीं करता, वो सारी समस्या उससे समाप्त हो जाती है। आप अपने मोबाइल पर ही अपनी रीडिंग रोज़ दे सकते हैं और हर घंटे देख सकते हैं, तो ऐसा कोई अभी कोई ऐसा विशेष प्रकरण सामने नहीं आया है जिसमें ये कहा जाए कि स्मार्ट मीटर गलत है, स्मार्ट मीटर फास्ट है, ऐसा है वैसा है। हम लोग स्मार्ट मीटर को चेक करने के लिए चेक मीटर भी लगा रहे हैं और अभी ऐसी कोई जानकारी कहीं से नहीं आई कि बहुत ज़्यादा कुछ खराबी आ गई हो। स्मार्ट मीटर एक अच्छा मीटर, इसमें उपभोक्ताओं को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और स्मार्ट मीटर लगाने में सहयोग भी करना चाहिए। सर, अभी तक के कितने स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और कितने अभी चेक मीटर लगाए गए हैं?
कंपनी और गवर्नमेंट के निर्देशानुसार 5% हमें यहाँ पर लगाना है। और अभी यहाँ पर लगभग वो काम चेक मीटर का चल रहा है, कुल अभी कितने मीटर लगा दिए गए? 50 लग गए अभी, करीब 50,000 नहीं हाँ 85,000 मीटर अभी यहाँ पर लग चुके हैं। और 5% मीटर जो हमारे लगना है वो काम अभी चल रहा है और हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। सारे अधिकारियों को हमने अलग अलग दिया कि वो जाकर देखेंगे, चेक करेंगे अपने सामने उस मीटर की सीलिंग वगैरह सब कुछ, और फिर अगर किसी कोई उपभोक्ता की समस्या है तो उसका भी निराकरण करेंगे। अगर वो कहता है कि मीटर की रीडिंग गलत है सब कुछ, तो उसके सामने ही दिखाया जाएगा, ज़रूरत पड़ी तो उस मीटर को भी लेबोरेटरी में ले जाकर टेस्ट किया जाएगा, सारी व्यवस्थाएँ करेंगे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।